हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम आए हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो पहले मैं आपको यहाँ से बाहर का दिखाती हूँ, फिर चलेंगे इसके अंदर। तो बताइए गाइस, कैसा लग रहा है? तो अभी हम लोग जो हैं बाहर खड़े हैं, तो चलते हैं फटाफट से इसके अंदर और देखते हैं कैसा है ये फ्यूचर म्यूजियम। तो गाइस, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो आप बताना आप में से कौन कौन यहाँ पहले आ चुका है। तो करते हैं एंट्री। तो ये लीजिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो वाओ, क्या व्यू आ रहा है अंदर का। देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है हम कोई और दुनिया में आ गए हैं। तो गाइस, यहाँ देखिए, मम्मी की खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और बहुत खुश हैं। तो चलते हैं, पहले हम ये रिसेप्शन है तो हम यहाँ पे आए हैं, और फिर चलेंगे हम अंदर। तो देखेंगे कैसा बना हुआ है गाइस फर्स्ट। सो हम लोग आ चुके हैं फ्यूचर म्यूजियम में। तो गाइस, ये है इवनिंग का टाइम और हमें स्लॉट मिला था 6 बजे का, तो हम टाइम से पहुँच चुके हैं। और इन्होंने हमें दिया है ये बैंड, तो हम सबको इन्होंने बैंड दिया है, इसके सहारे ही हमें अंदर एंट्री मिलेगी। तो चलते हैं फिर फटाफट से। गाइस, क्यू तो बहुत ही लंबी है यहाँ पर, बट हमें वेट करना पड़ेगा। कोई नहीं, वेट कर लेंगे फिर। तो गाइस, मुझे जो ये लग रहा है ना, जो लिखा हुआ है दीवार पे, वो अरबी लैंग्वेज से है, जो कि मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। बट गाइस, हम सबको अंदर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम उसको इन्जॉय कर रहे हैं। तो इंडिया में जो टाइम हुआ है वो है 7:30, और जो हमारा टाइम हुआ वो 6:15-6:30 के आसपास हो चुका है। तो गाइस, हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं, अब देखेंगे आगे क्या प्रोसेस होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो साइंस का बहुत चीज़ें यहाँ पर होंगी, बट अब पता नहीं क्या क्या होगा, तो इन्जॉय करेंगे उसको। तो गाइस, इसके बाद ये लोग हमें लाए हैं लिफ्ट में, और इस लिफ्ट में हमें लग रहा है जैसे हम स्पेस में जा रहे हैं। तो इस लिफ्ट में है 10 से 15 लोग। अब तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं उससे बाहर। तो आप देखिए गाइस, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, आप भी देखिए, आपको भी मज़ा आएगा इसको देखने में। और काफ़ी अंधेरा है अंदर ना, तो ऐसा लग रहा है मैं स्पेस में ही घूम रहे हैं कहीं। तो गाइस, चलते हैं फटाफट से दूसरी तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो गाइस, ये सामने देखिए, इन्होंने पृथ्वी का रखी है और बाकी जो ग्रह हैं वो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रोजेक्ट बना रखा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। बट ये साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़ें, अगर वो यहाँ पर आएँगे कि चीज़ को समझेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो गाइस, ये आप देखिए स्क्रीन पर एक मॉनिटर टाइप है, इन्होंने एक आपको बस उसके सामने खड़े होना है, 2-3 चीज़ें वो आपसे पूछेगा और आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पिक है वो उसमें आ जाएगी और आपको लगेगा आप स्पेस में आ रखे हैं। तो गाइस, हम आए हैं दूसरी तरफ और यहाँ पे हैं छोटे छोटे जार, और इसमें हैं स्पीशीज अलग तरह के, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, आधी चीज़ें हमें समझ आ रही है, आधी नहीं आ रही है, बट हम इसको इन्जॉय कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Welcome pioneers, you have now entered our DNA library where we house the genetic codes of over 2000 species. तो उसके बाद गाइस, हमने खिंचवाए वहाँ पे 3-4 फोट हुए और निकल गए वहाँ से। तो गाइस, इन्होंने सभी चीज़ यहाँ पे आने वाली फ्यूचर की एक्सप्लेन की है कि किस तरह से आने वाले फ्यूचर में क्या क्या डेवलप होगा, तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो गाइस, फिर हम आ चुके हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं, और ये इसमें से जो सामने आपको दिख रहा है ना, इसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, तो वो तो हमें पता नहीं है किस चीज़ का, पर ठीक है, हम हर चीज़ देख रहे हैं, हमें हमारे लिए हर चीज़ नया है यहाँ पर, तो हर चीज़ हम इन्जॉय कर रहे हैं गाइस। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे आगे की साइड क्या है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं वहाँ से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे आपको लग रहा है ना पानी है, तो गाइस ये पानी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है, और सामने मिरर है बहुत बड़ा, तो आपको ऐसे लगेगा आप पानी में चल रहे हैं। यहाँ पर साउंड भी ऐसे पानी जैसी है, तो सुनिए गाइस इस साउंड को। Yes, I am.
गाइस निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं दूसरी तरफ क्या बना रखा है। तो ये देखिए गाइस, ये ऊपर से पानी है, ऐसा लग रहा है आप पानी में बैठे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सोफे लगा रखे हैं, यहाँ पे आप लेट के 10-15 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, ऊपर से कुछ इस तरह से लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे कुछ मॉडर्न टाइप की गाड़ियाँ खड़ी हैं जहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई है। तो गाइस हमें फ्यूचर म्यूज़ियम अच्छा तो लगा है, बट हमें आधी चीज़ें कुछ ऐसी थी जो हमें समझ नहीं है। तो 9 बजने वाले हैं गाइस, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फ्यूचर म्यूज़ियम से। तो मिलते हैं आपसे फिर होटल पर जाके। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में और अब रात के बजे हैं करीब 10:15 और 10:15 बजे हैं। और आज हमारा था दुबई टूर और इवनिंग में था हमारा फ्यूचर म्यूज़ियम, तो दोनों ही हमने आज कवर किए हैं। तो आज हमारा सेकंड डे था, तो देखते हैं कल हमारा क्या रहेगा। तो फिर मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में और करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय।